इस अशर को बेबीसिट करने के लिए उसके बड़े मामू है बेकरार। निश्चय कब से वेट कर रहा था, कह रहा था कि मुझे अशर को बेबीसिट करना है। मैंने कहा इतना सौखा काम नहीं है जो तू सोच रहा है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा कोई नहीं, इतना शौक चढ़ा है, ले चलते अपने अशरी पशरी को निश्चय मामू के पास। आते हैं, को दे दूं मैं कैमरा। ये बंदा ना मेरे सारे व्लॉग्स खराब कर देता है, कैमरा का माइक निकाल देता है और उसके बाद मैं बोलती रहती हूँ और वीडियो में आवाज ही नहीं। एनीवे चलते हैं टिकट मामू के पास और देखते हैं क्या वो बेबी सिट कर सकता है या नहीं। क्या लगता है हर्ष, कर पाएगा? बहुत आसानी से कर लेगा। अभिषेक तो बहुत ही रोया था इस चैलेंज में। मुझे पता नहीं है, इंजीनियर जो होते हैं ना, दे कैन डू एनीथिंग। आगे हैं हमारे घर की छत पे, पता नहीं कितनी, आई थिंक ये लास्ट टाइम होगी कि हम ये छत देखने वाले हैं, फिर तो नए हाउस में जाना है। मामू सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूँ मैं। लाली लालो लाली लालो लाली लालो लाली लालो लाली लालो लाली लालो Baby sitting Usher for 24 hour challenge begins now. I scared him. बच्चा डरा दिया। तो तुझे बहुत शौक चढ़ा था ना बच्चा संभालने का, तो तू करने क्या वाला है इसके साथ, मुझे ये बता कैसे संभालेगा इसे। देख ना, तुझे बच्चे को आज मैं स्ट्रीमर बनाऊंगा। ये देख तेरा ये माइक टूटेगा, फिर तेरे सारे। अरे अरे भाई 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 बस तोड़ मत दियो। तो गाइस आप देख सकते हो कि ट्रिगर्ड मामू की स्ट्रेटजी है कि वो बेबी को स्ट्रीमर बनाएंगे। अरे भाई ये बच्चा तोड़ के ही मानेगा मेरा माइक। भाई रुक जा भाई, सुन ना, भाई को बहुत जल्दी हो गया। इसके बाद ऐसा ना हो कि तू स्ट्रीम ना कर पाए। इसको कहते हैं कैमरा, कीबोर्ड, माइक, माउस भी है, ठीक है? ठीक कहा है? अरे ठीक है, ये ले तू इससे खेला, ये ले, ये तेरे से भी बड़ा साइज में, ये टिल्लू, ये हग्गू। अरे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आज ये जवाब देगा। अरे तुझे तेरी मेन ड्यूटीज तो मैंने बताई। अरे मेन ड्यूटीज छोड़, सबसे पहले। अरे यार तू डायपर कैसे चेंज करेगा ये तो सीख ले। अरे डायपर वाइपर सब चेंज कर देता हूँ। हाँ बंदा बच्चा ना चेंज कर दियो तू, इससे अच्छा तो मिलेगा नहीं ना चेंज कर। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हग्गू सीनियर या हग्गू जूनियर? ये है हग्गू जूनियर जो हमेशा से रहा है, ओके, लेकिन उसके बाद अब ऑब्वियसली बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो हग्गू सीनियर बन गया, ठीक है, लेकिन लोगों को जूनियर ही पसंद है, ठीक है। तो अब ये बच्चा डिसाइड करेगा, हमारा अशर डिसाइड करेगा कि हग्गू सीनियर या हग्गू जूनियर। हाँ। जिसकी भी तरफ जाएगा वही मेन। देख भाई गाइस, देख ले, ये हग्गू सीनियर है, ये हग्गू जूनियर है। तुझे कौन सा डिसाइड करना है? जूनियर नहीं सीनियर को ले। अशर ने मिस्टर जूनियर हग्गू को जिता दिया। बस खा मत जाइयो। भाई को तो कुछ भी चीज दो मुंह में डाल दो, ये देखो ये ले, ये भी खा ले। भाई अब वो ना बड़ा हो गया है, जब अभिषेक ने उसकी सिटिंग करी थी ना बेबी सिटिंग, तब वो खाता नहीं था, पर अब वो खाता भी है। देख खाना खाता है। हाँ। क्या खाएगा, क्या खाएगा? गोड़ 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 गोड़। ये ऐसी शैतानियां करते रहेगा पूरे दिन तो फिर तो वो खुशी रहेगा। अच्छा यार इसको स्ट्रीमिंग कराते हैं, मैं तो कह रहा हूँ माइनक्राफ्ट खिलाते हैं। ओके अगर इसने स्टार्ट कर दी ना लाइव स्ट्रीम, ओह माय गॉड दिस गाय, ये तेरा पूरा खत्म कर देगा भाई। तेरे को नया पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैं भाई ने सीधा ये देख भाई ने स्टार्ट स्ट्रीमिंग का बटन दबा दिया था, अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे रुक जा भाई, बहुत शैतान हो गया। बहुत अरे माइनक्राफ्ट खोल तो लेने दे। तो जितना मर्जी एंटरटेनमेंट कर ले, माइनक्राफ्ट खिला ले, पर उसको बाद में डायपर भी चेंज करना है, खाना भी बनाना है। अरे मेरे बच्चे रुक जा ना भाई, रुक जा। अशर की कैप का है? अशर की कैप का है, पता नहीं। ये पहन ले भाई। मामू क्या कर रहे हो, मेरे को दिखेगा भी नहीं यार। अरे बढ़िया तो लग रहा है। और अशर और निश्चय खेलते हुए माइनक्राफ्ट। ये देख तू भी खेल माइनक्राफ्ट। हाँ 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 दबा दे सारे बटन, दबा दे। आज तेरा सिस्टम गया मैं बता। सारे बटन, ओ जंप करा रहा है भाई, अशर ने जंप कराई है, मैं कुछ वाओ, नहीं कर रहा। वाओ भाई अशर कहाँ है तेरे वर्ल्ड में? ये अशर ही तो है सामने। अच्छा चालू हो गया, जावा डब्ल्यू एस डी दबा, आगे जाएगा। ओह यस, आई डोंट नो क्या हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। खत्म गाइस, यहाँ पे जो भी हो रहा है इसके लिए मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो देखो कीज निकाल के मानेगा भाई, कीबोर्ड की तोड़ दे कोई नहीं, वैसे भी नए की जरूरत है। बेटा नहीं यार इसको समझा, इससे चलता है डब्ल्यू ए एस डी से चलता नहीं, है नहीं उसे समझा बेटा, ये चीजें तोड़ते नहीं है बेटा, तोड़ दे। नहीं बेटा इसकी बात मत सुन, भाई ने गेम ही क्रैश, तेरा बेबी सिटिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी मैं। भाई ने तो क्या हो रहा है इसको,
इसको माइनक्राफ्ट का शौक लग रहा है। माइनक्राफ्ट नहीं खेलनी, नहीं खेलनी। मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है तेरे से अच्छा सच्ची में अबू ने कर लिया था। यार मैंने अगले को माइनक्राफ्ट खिलवाई है। तू इसके लिए कुछ खाने को बना, फिर तो तू पानी पिला दो। पानी पिलाते ओ भाई, यहाँ आके बैठना नहीं है, सिर्फ खाना भी बनाना है उसके लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू किचन क्लासेस विद ट्रिगर्ड इंसान, जहाँ पे हम आज आपको सिखाना चाहेंगे कि एक 10 महीने के बच्चे को कैसे 8 महीने अच्छा अभी 8 ही हुए ये तक नहीं पता तुझे। अप्रैल 24 2023 गाजर खाएगा जीजू ने, देख काम ही कर दिया। ऐसे थोड़ी खाएगा, इसको छीलना भी पड़ता है। अच्छा छीलना भी पड़ता है। वाह यार, ये छिली हुई गाजर है। सीरियसली? हाँ, ये तो इसका काम आसान कर रहे हैं यार हर्ष, ऐसे थोड़ी ना होता है, हमें इसको चैलेंजिंग बनाना है। भाई गाजर गिरा रहे हैं, मैं बता रही हूँ, नहीं तू नहीं बना पाएगा। इसको ले, इसको 2 मिनट यहाँ पे बिठाओ। ऐसा कर, तू इसके लिए ना आलू बॉईल कर, उसको मैश कर और इसको खिला दे। मैं भाई के लिए फिर यार सीरियसली दूसरा पीस काटूंगा। ये पहली बार काट रहा है ना तू कुछ? अरे अगले के लिए गाजर काट दी मैंने, इससे बड़ी ये ले बेटा गाजर खा ले। क्या लगता है खाएगा? खाना होता है, खाएगा। देख के फेंक देगा। खाएगा नहीं खाएगा? मुंह तक गई और अब फेंक देगा। फेंक दी। और छोटी सी काट देता हूँ भाई, बड़ी वाली खाएगी। अच्छा इतनी बड़ी, वो इतना सा पीस खाया नहीं गया, वो ऐसे करता रहेगा। हाँ ये वो करता रहेगा, चाटता रहेगा। बस अब ये मुंह के अंदर डालेगा और फेंक दे। नहीं बस चाटता रहेगा। तूने अगले के कपड़े देखे? आज यहाँ पे पॉकेट्स लटका के आया, कह रहे इसमें गाजर रखूंगा। कपड़े तो भाई ऐसा पहनता है, मतलब मैं ना पहनता आज तक भी इतने स्मार्ट कपड़े। देख तेरे को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। कॉम्प्लीमेंट क्या चाहिए? आलू को बॉइल कर और फिर उसके बाद उसको मैश कर और फिर उसको खिला दे। बस आलू खाया पहले तो? आलू फ्रिज में तो नहीं होते शायद। क्या बात कर रही मम्मी, आलू का है? हाँ वहाँ होते। अबे पता है इसको, एक्टिंग कर रहा था, मैं बता रही हूँ। आलू नहीं है, स्वीट आलू है। हाँ चलेगा, स्वीट पोटैटो भी खाते हैं? ये स्वीट पोटैटो। ओह माय गॉड, ले भाई खा ले, ले भाई खा ले। मम्मी ऐसे ही खिलाया था क्या हमको भी खाना कभी? वो भाई ये भी खा लेगा। ओ भाई सच में खा लेगा। स्वीट कौन खाता है? हाँ खाता है। स्वीट कौन खा लेगा? खा लेगा। स्वीट कौन बना देता हूँ, वो बनाने आते हैं मेरे को। सबसे पहले गाइस इसके लिए लीजिए स्वीट कॉर्न, के बाद लीजिए एक ये, इसके बाद पतीले में स्वीट कॉर्न डालिए। यहाँ तो आप इसको गैस पे भी पका सकते हैं, आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो हम इसको कट द क्रैप मैन, आप बनाइए इसको, बेचारा भूख से मर रहा है, उसको कुछ खिला, यहाँ पे कुकिंग क्लासेस दे रहे तू। तब तक तू उसे पकड़ना, हर्ष ने क्यों पकड़ा हुआ है उसे? बात है, बेबी सीटर के पैसे दिए हमने इसको। अच्छा बेटा है, पैसे तो कुछ नहीं मिले। अब बहुत मत कह रहे, चौथे माले पे चढ़ा दिया मुझे। बल्ले 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 और ढिंक चिका ढिंक चिका। तेरे बाल खा रहे, तेरे बाल खा रहे बंदा। अरे मेरे बाल चूट रहे, मेरे इसके बालों में प्रोटीन नहीं है बेटा। भाई भाई ने इसके बालों में जेल है, जेल और स्प्रे। हाय राम अशर, छोड़ दे छोड़ दे मेरे बाल, छोड़ दे। क्या कर रहा है शेर? भाई खा रहे तेरे बाल, उतार उसको। खुशी बड़ा खा रहा, कितना मजा आ रहा है। ये ले पापा के बाल खा, मेरे को छोड़ दे। सच में यार क्या हो रहा है यार, ये ले। तेरे को समझ नहीं आ रही, ऑरेंज छील के देना होता है। ऐसे दे देना, ऐसे ही दे दे, क्या करेगा देखना चाहता हूँ मैं। उठा के फेंक ही देगा ऑब्वियसली। एक छोटे बच्चे को कुछ भी दोगे तो फेंक दे, उसे समझा बेटा ये खाने की चीज है, इसको नहीं फेंकते, इसको हम खाते हैं। खाओ इसे बेटा, ये बहुत अच्छी चीज है। अबे मैं इसको लेके जा रहा हूँ, इसको लोरी। ओ भाई ये स्वीट कॉर्न, ये जल जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ये मैं लेके आऊंगा। अरे इसका जूता उतर गया। ओ नो, भाई ने ये फेंक दिया जूता। फिर लोग बोलते हैं भाई उसकी ड्रेस तो ढंग से पहना दो। अरे वो खुद उतार देता है जूते अपने, फेंक देता है भाई, वो पहनता ही नहीं है। अरे शांत हो जा बच्चे, चश्मे से खेल रहा है, उसको चश्मा पसंद है एक्चुअल में। अबे चश्मा नहीं, मेरी नाक नोची थी उसने। ए वेट, मम्मी बीच में नहीं आ रही, कह रही है देखते निश्चय संभाल पाता है नहीं। क्यों निश्चय, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। नहीं गाइस प्लीज कमेंट से बोलो आप शादी कर ले, अब उम्र हो रही है शादी की भाई। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। हेलो क्या आवाज नहीं आ रही भाई? अरे मामू को बोल, मामू मामू मुझे शादी में नाचने। रो दिया। अच्छा, देख कह रहा रो। अच्छा, 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 अच्छा। कैसा बेबी? नहीं नहीं रोना मत, रोना मत, देख तू रो देगा तो मेरी पगार नहीं मिलेगी मेरे को। वैसे मेरे को कुछ मिलने भी नहीं वाला, बट फिर भी मुझे क्या लग रहा है तुझे वो पहन के इसको एंटरटेन करना चाहिए, वो हाथी। इसको तब तक रोकोगा कौन? मैं पकड़ूंगी। अच्छा अच्छा भाई भाई कर रहा हूँ भाई। रुला दिया भाई, रुला दिया भाई को। एक सेकंड एंटरटेन ना करो तो चीखने लग जाता है। हाँ कह रहे मुझे एवरी टाइम एंटरटेनमेंट चाहिए, फायदा क्या फिर? इसके साथ खेल, शेर दे। क्या हो गया, क्या हो गया? ओए अशरी कौन है? ओ बॉय
शेर राजा उल्लू उल्लू नहीं कह रहे नहीं मुझे नहीं पसंद आया उल्लू 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 ला 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 अंदर मामा ही था मामा को गर्मी लग गई बहुत पसीना आ गया चलो भाई तो यहाँ पे मम्मी आ चुकी है मम्मी कॉर्न्स बन गए होंगे इतने से कॉर्न्स और इतना बड़ा पतीला ये ऐसा बेबी सिटर देखो इसको समझ ही नहीं आ रहा अब इसको सीखनी चाहिए अपनी जिम्मेवारियाँ समझनी चाहिए क्यों नहीं समझता तू अपनी जिम्मेवारियाँ अब बन गई मम्मी अब जिम्मेवारियाँ गाइस कभी ना कभी तो समझना ही पड़ता है ना ये बिग्गी है गवर्नमेंट मैं बता रही हूँ सबको समझने का एक टाइम आता है मैं बड़ी बहन हूँ और मेरी कन्वर्सेशन हो रही है मैं बड़ी बहन हूँ ये बीच में से भाग रहे मम्मी अब कर दो यार ढोल बजवा दो घर में डंगे 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 पहले वो एक्सपीरियंस कर रहा है ना अभी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एग्जैक्टली तो भाई ये अभी खाना बना रहा था मम्मी को बोला है खाना बनाने के लिए और खुद बैठ गया यहाँ पे खाना खाने के लिए और ये बच्चा यहाँ पे मेरे पे छोड़ दिया है भाई अरे भाई आजा बेटा अरे छोड़ दे मेरा कैमरा दोस्त इसको अब एक ही तरीका चुप कराने का यार कैमरा तो छोड़े बेटा मुंह गोल चल अब शांत हो जा बेटा अब बता क्या करना है डायपर चेंज करना है चलो बेटा डायपर बदलेंगे ये जो भाई साइड में बैठे ना इनको भी आता है डायपर चेंज करना मेरे को भी आता है ऐसे ही नग्न कर दूं क्या बच्चे को नग्न मैं दिखाऊंगी नहीं टेंशन मत ले हम अपने बच्चों को नग्न नहीं करते पहले कैमरा पे नया डायपर तो लिया वरना सब कुछ नहा लेगा सेकंड बात हो जाएगा तेरा दिन का अरे रुक जा डायपर बदलना है देख अगर उसने तेरे ऊपर बात कर दिया ना तो ये मेरी गारंटी नहीं है मेरी जिम्मेवारी नहीं है बिल्कुल भी ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायपर तो दे दे अरे तू लेके आएगा ना कैडी में से ओ भाई रे ये भाई का डायपर या और खेलने के लिए एक खिलौना ये ले ये देख को। ऐसे थोड़ी ना वो डायपर पे नहाएगा उसको लिटाना पड़ता है अरे ये छोड़ेगा क्या बैठे डायपर नहीं चेंज होता आजा बेटा मेरे साथ एंजॉय कर रहा है अरे आ जा नो एंजॉयमेंट हां ये खिलौने साथ खेल चल अब मैं अब नहीं दिखा सकता अब मैं सिर्फ ऊपर से दिखाऊंगी ये क्या कर रहा है यार ये तो पलट गया वो पलटी जा रहा है मैं क्या करूं तो भाई यही तो प्रॉब्लम है दिस गाय डजंट स्टॉप दो मिनट सीधा होके लेटता बेटा डायपर बदल अरे ये मान नहीं तो बस ये अगर मान जाए तो बात ही खत्म है ना फिर तो वीडियो ही खत्म ले ले ओके अब वो ऐसे पकड़ के रखियो लाते हैं अरे कहाँ से खुलता है देख रहा बेटा तेरे साथ क्या हो रहा है तू नादान परिंदा तुझे कुछ ऊपर, नहीं पता ऊपर 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 पेट के ऊपर टेप पेट के ऊपर टेप हाँ दिख गई दोनों टेप ओ यस भाई डायपर उतार दिया मैंने भाई लोग डायपर जितनी जल्दी चेंज कर सकते हो कर दो नहीं तो अभी वो तुम्हारे ऊपर मूत्र धारा करेगा और यहाँ निश्चय स्ट्रगल करता हुआ खोली थी ना वैसी टेप इट्स डन इट्स ऑलमोस्ट डन मैंने बदल दिया डायपर क्या हुआ बे मेरा काम हो गया पर लूज बहुत है गीला क्यों रहे भाई हो क्या रहा है थोड़ा सा लग रहा है भाई ने थोड़ा सा सूतो कर दिया अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ नहीं 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 चलो पैंट बिनाओ डालो मुंह में पैंट पैंट बनाओ भाई पैंट अब पैंट बनाओ अरे उसका पैसिफायर निकल गया यार ये तीन मर्द मिलके इसका क्या कर रहे हैं बेचारे का हाल एक कंगी कर रहे हैं एक ढीगी ढीगी कर रहे हैं उसको पजामा पहना रहे हैं भाई ये कर क्या रहा है ये ऐसे उछल क्यों रहा है ये इसका स्टाइल है जो डायपर बदल दिया तो ज्यादा खुशी आ रही है उसको, उसको अच्छा लगता है डायपर चेंज करा के उसको जल्दी से पजामा पहना देते हैं जीजू पजामा तो बेटे ऑन कैमरा ये बहुत शरीफ है मैं बता रही हूँ अभी कैमरा ना होता ना कुछ नहीं कराना मेरे को पता है वो मेरे हाथों में से कैसे भागने की कोशिश कर रहा है मम्मा 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 खाना आ गया भाई मम्मी देखो मम्मी लेके आई है खाना तेरे से कुछ नहीं होता ना अरे आ गया ना खाना बेबी सिटर अगर किसी और से बेबी सिट हो रहा है तो कोई दिक्कत है इसका बेबी सिटर मैं हूँ मेरी तो मम्मी है अच्छा सही है ये भी ठीक है रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा पहले टेस्ट करते हैं कि ज्यादा गर्म ना हो ओ क्या बात है पहली बार मामा ने सही बात करी है कहीं पूरा खुद खाने का इरादा तो नहीं है ना तेरा एक तेरा एक मेरा रुक जा बहुत गर्म है बहुत गर्म है ऐसे नहीं खाते फूक मार मार रहा है उसका गरम है रुक जा फेंक दिया भाई ने हाँ गरम है ना नहीं 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 गरम है गरम है रुक जा भाई तू कैसा बेबी सीटर है रोक उसको रोक क्या करूँ मैं उसके ताला लगा दूंगा उसके हाथ पकड़ ले हाँ, राम यार इसको कितनी भूख लगी हुई है ये ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है पॉटी तो नहीं आ रही नहीं नहीं उसको और चाहिए अच्छा लग गया हाँ दे रहा हूँ भाई दे रहा हूँ फूक मार मार के आराम से रुक जा पहले जो मुंह में है वो तो खा ले अब
तो एक तो तू खाता कम है फेंकता ज्यादा है। गुड बॉय अशर, गुड बॉय। पर ये खाने के बाद ऐसी शक्ल क्यों बनाता है? वो अभी टेस्ट डेवलप कर रहा है अपने खाने का, तो वो सोच रहा है कि ये अच्छा है नहीं है क्या बोलो। हाँ, तो दूसरी बार में बताएगा कि मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा। आओ पापा, यहाँ पे बेबी सिटिंग चल रही है, आप करना चाहोगे अशर की बेबी सिटिंग? कर भी नहीं पाओगे भाई के। एक मिनट, आकर आकर मेरी बेबी सिटिंग मम्मी ने करी है बस। ओ, तुझे ज्यादा पता है। मुझे पता है। तुझे तो सब याद मुझे है। सब याद है। ते पापा ने डबल बेबी सिटिंग करी है। पापा क्या कह रहे हैं उधर से? पापा मेरी पापा से ज्यादा ना डैडी ने करी है, दादाजी ने। मुझे सब याद है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है बाय द एंड ऑफ द डे दोनों मामा ना बहुत ही एक्सपर्ट बेबी सिटर्स बन गए, तो इन दोनों की निगरानी में मैं एक्चुअली में सोच सकती हूँ अशर को छोड़ के जाने के लिए। सुला सकता है तू? अरे ये देख बेटा, इधर देख। देख अब्बू ने तो सुला दिया था। नींद आ रही है ना? अभी तेरे को भी सुलाना ही पड़ेगा। चले ये कंपटीशन हो गया भाई, अब तो सो गया। हाँ ऐसे सोएगा। आए हाय चश्मा गया। अरे तेरी चश्मा भाई, और है भी नहीं। खत्म, दी एंड। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, ये नहीं चश्मा। नहीं ले गया भाई, ले गया। पुराने बेबी सीटर को याद आ गई उसकी। क्या मैं लेके जा रहा हूँ इसको। एक काम कर, पुराने बेबी सीटर के पू कर दे। ओ भाई अशर, देख बात ये है कि वो जो तू जिसको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, ये पता है तेरे को कौन है? पता पहले ये बता कौन है। नहीं पता तेरे को? तेरे को ये पता है कौन है? तेरे को कुछ नहीं पता है। ओ अशर को जिप मिल गई यार। ये लोग हमारी कॉन्वर्सेशन खराब कर रहे हैं यार। वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे इमोशंस की अशर और निश्चय। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओ पप्पू, पप्पू ने रख के दिया मेरे। ओ पप्पू, ओ पप्पू, और दो दे दे। मैं तो तेरी जिप पसंद आ गई, ये खेल रहा है इससे। ये ले भाई, ले जा भाई घर, ले घर, ले जा ये ले घर, ले जा। सुन रहे हो तुम पीछे? फीलिंग यहाँ पे है, कॉन्वर्सेशन वहाँ पे है। हाँ ये ठीक है। ओ ये खुश हो गया। मैं खा रहा हूँ तेरे को। यहाँ खुश हुआ है अशर, यहाँ पे बात गल गई। भाई क्या डेंटिस्ट बनेगा क्या? अगले को सुपरमैन बना हुआ है। सुनने में आया कि अशर सो चुका है या सोने वाला है पता नहीं, तो मैंने सोचा यू टर्न लेते हैं और देखते हैं क्या अशर सच में सो गया है। और उसे सुलाया किसने? कमाल हो गया। धीरे धीरे धीरे, देख क्या हो रहा है, देख देख। तो गाइस अशर को सोने देते हैं। मामू ने बहुत ही अच्छी जॉब करी है। वेरी गुड बेटा, बेबी सिटिंग करते रहना, हम घूम फिर के आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।